मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तेंदुखेड़ा विधानसभा ऐसी सीट है जहां पर भाजपा के विधायक संजय शर्मा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में तेंदुखेड़ा नगर में भाजपा का प्रथम कार्यालय खोला गया। कार्यालय के उद्घाटन में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत के अध्यक्ष संदीप पटेल और हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कारण के बारे में बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। जिनके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में गया था, उन्हीं के कारण मैं कांग्रेस पार्टी देखिए जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, सांसद जी ने जो विकास किया है, हमारे पूर्व विधायक भैया राम जी ने विकास किया है, उस विकास की गति को और आगे बढ़ाने का हम जनता को विश्वास दिलाएंगे। हमने गांव गांव सड़कें बनवाई, हम लोगों ने गांव में 24 घंटे बिजली दी, गरीब संबल योजना में जिनके कार्ड बने हैं बीपीएल कार्ड है उन गरीबों के बिजली के बिल पूरे माफ कर दिए, 200 रुपए बिजली देके। इतने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, इन कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम नरसिंहपुर जिले में था वो परिणाम दोहराया जाएगा। वो मध्य प्रदेश समाजवादी सरकार। तेंदुखेड़ा से EMS TV के लिए राजेश पटेल की रिपोर्ट।